अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे हमारे जीएटी पैथोलॉजी का। अगर मैं मेजर टॉपिक की बात करूं तो ये एक तरह का आखिरी टॉपिक है, बिकॉज अपेंडिक्स बहुत छोटी सी चीज़ है, वो तो इतनी कोई इंपॉर्टेंट भी नहीं है। जो हमारा मेजरली टॉपिक है कॉलन और स्मॉल इंटेस्टिन से रिलेटेड, उसमें कॉलनिक पॉलिप्स एंड न्यूप्लाज्म्स योर लास्ट वन। और इसमें भी हमारे पास हम दो चीज़ों में इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। इसमें हमने सारे पढ़ने की इंटेस्टिन में कौन सी तरह के पॉलिप्स और पॉलिप्स, आपको पता है कि न्यूप्लाज्म यानी कैंसर भी बन सकता है, सो उन सारी चीज़ों को हमने इसमें कवर करना है। इसमें हम ये करते हैं कि हम पॉलिप को दो चीज़ों में डिवाइड कर देते हैं कि नॉन न्यूप्लास्टिक पॉलिप्स, वो वाले जिनका बिल्कुल भी किसी भी बिनाइन या मलिग्नेंट कैंसर से ताल्लुक नहीं है, और नियोप्लास्टिक। नॉन नियोप्लास्टिक पॉलिप्स में हमारे पास तीन तरह के आते हैं, इन्फ्लेमेटरी पॉलिप, हमार्टोमेटस पॉलिप और तीसरा है विच इज़ हाइपरप्लास्टिक पॉलिप, ठीक है, वो भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास आते हैं नियोप्लास्टिक। नियोप्लास्टिक वो है जो कि या तो बिनाइन नियोप्लाज्म होगा या मलिग्नेंट। बिनाइन नियोप्लाज्म में एडिनोमा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड मलिग्नेंट नियोप्लाज्म में एडिनोकार्सिनोमा इज़ इंपॉर्टेंट। ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। इसमें से मैं आपको बताऊंगी बीच में एडिनोमा में आते हैं फेमिलियल एडिनोमेटस पोलिपोसिस सिंड्रोम, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एडिनोकार्सिनोमा किसी हद तक एसीक्यू में आता होता है। ये जो है आपके एमसीक्यू से रिलेटेड बातें हैं। इन्फ्लेमेटरी पॉलिप है, हेमाटोमेटस है, जुवेनाइल पॉलिप है, प्यूट्स जिगर सिंड्रोम पड़ेंगे। ये सिंड्रोम्स आपसे दोनों जुवेनाइल पॉलिप्स और प्यूट्स जेगर सिंड्रोम जो भी मैं आगे आपको बताऊंगी, ये आपसे ना एमसीक्यूज में पूछते हैं। मैं आपको शुरू में ही पूरा पैटर्न इसलिए बता रही हूँ ताकि आपके जहन में हो कि हमने किस बात को कितना स्ट्रेस देना है, और मैं उसी हिसाब से आपको पढ़ाऊंगी भी कि जिस चीज़ की ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है आपको पता है कि मैं ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ। अच्छा, स्टार्टिंग अप विद द टॉपिक, हमारे पास है कॉलोनिक पॉलिप। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलिप क्या होता है। आपको पता है कि कोई भी मैस जो किसी सरफेस पे बनती है, सपोज मेरे पास ये एक प्लेन स्मूथ सरफेस है और इस सरफेस पे कोई म्यूकोजा है, मतलब जाहिर है इसका ये सरफेस का म्यूकोजा होगा, इसका म्यूकोजा बल्ज आउट कर जाए इन द फॉर्म ऑफ अ बल्ब या इन द फॉर्म ऑफ अ ब्लेब, और उसकी स्टॉक हो या ना हो डिपेंड करता है, उसकी मर्जी है, ये तो कुछ भी नहीं, ठीक है, उसको पॉलिप कहते हैं। पॉलिप की एक स्मूथ सरफेस होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, ज़रूरी नहीं है, सेरेटेड सरफेस भी हो सकती है, और कभी कभार वो सिसाइल होगा तो उसकी स्टॉक बिल्कुल छोटी सी होगी जो हमें नज़र भी नहीं आ रही होगी और वो बिल्कुल जुड़ा हुआ होगा, और जब पेडंकुलेटेड होता है तो उसकी लंबी सी स्टॉक होती है, वो लटक रहा होता है जैसे ये वाले, और लंबी होती है थोड़ी, ठीक है। तो दो तरह के पॉलिप्स होते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारे इंटेस्टिन में कौन से नॉन न्योप्लास्टिक टाइप ऑफ पॉलिप्स हैं जो बन सकते हैं, जिसमें सबसे पहले वी हैव द इन्फ्लेमेटरी पॉलिप। इन्फ्लेमेटरी पॉलिप आपको पता है किसी भी जगह पर इन्फ्लेमेशन का अगर उसमें एलिमेंट ज़्यादा होगा, इन्फ्लेमेटरी डेब्रिस, इन्फ्लेमेटरी मटीरियल आपके सारे के सारे लिम्फोसाइट्स और प्लाज्मा सेल्स और न्यूट्रोफिल्स और ये सब कुछ, और ये ज्यादा होगा तो उसे इन्फ्लेमेटरी पॉलिप कहेंगे। क्यों ये बनता है कॉलन में? मोस्ट कॉमनली ये बनता है रेक्टम में, ठीक है, और इसके बनने की वजह ये होती है कि आपको पता है कि जहाँ पर सपोज करते हैं कि दिस इज द रेक्टम, ठीक है, ये रेक्टम है और इसके बाद शुरू हो रही है एनल केनाल, ठीक है, ये दोनों के दरमियान में एनोरेक्टल स्फिंक्टर है। आपको पता है कि रेक्टम और एनल केनाल के दरमियान में एक स्फिंक्टर होता है जिसको हम कहते हैं दिस इज नॉन एज एनोरेक्टल स्फिंक्टर, ठीक है, एनोरेक्टल। जब तक एनोरेक्टल स्फिंक्टर कम्प्लीटली रिलैक्स नहीं करता, खुलता नहीं है, तब तक आपका जो फीसिस है, जो आपके स्टूल्स हैं, वो रेक्टम से एनल केनाल में नहीं जाते, ठीक है, एनोरेक्टल स्फिंक्टर का खुलना ज़रूरी है। जिन लोगों में जेनेटिकली थोड़ी सी प्रॉब्लम की वजह से एनोरेक्टल स्फिंक्टर कम्प्लीटली रिलैक्स नहीं कर पाता, जब वो कम्प्लीटली रिलैक्स नहीं करता ना, तो मोस्ट कॉमनली क्या होता है कि जो इंटीरियर वॉल है, सपोज कर ले दिस इज द इंटीरियर वॉल एंड दिस इज द पोस्टीरियर वॉल, ठीक है, ज़ाहिर है पूरा राउंड है ना ये, तो पूरे राउंड की एक इंटीरियर है, एक पोस्टीरियर और दो साइड्स हैं, तो सपोज कर लेते हैं दिस इज द इंटीरियर वॉल, तो इंटीरियर वॉल की तरफ का जो पोर्शन है ना एनोरेक्टल स्फिंक्टर का, ये हमेशा थोड़ा सा आगे ऐसे पूरा बल्ज रहता है, जबकि जो पोस्टीरियर वॉल वाला ये पीछे चला जाता है, मोस्ट कॉमनली ये होता है, ठीक है, पोस्टीरियर वॉल वाला बिल्कुल पीछे होगा, रिलैक्स हो गया, लेकिन इंटीरियर वॉल वाला सिर्फ इतना सा पीछे गया और बाकी ये सारा का सारा भी आगे ही प्रोट्यूट कर रहा है। अब जब ये आगे मुसलसल प्रोट्यूट कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि फीसेस जो आपकी यहाँ पर कलेक्ट हुई हुई है ये स्मूथली आगे एनल केनाल में नहीं जा पाएगी, बल्कि इसे इस जगह पर हिंड्रेंस फेस करनी पड़ेगी, ये वाली जगह। जब बार बार हिंड्रेंस होती है ना, तो इस जगह पर मुसलसल मुसलसल चीज़ जो है वो टकरा रही है, आपको पता है मुसलसल फ्रिक्शन की वजह से ये जगह रेक्टम की, ये ऊपर रेक्टम है ना, रेक्टम की ये जगह मुसलसल फ्रिक्शन की वजह से बार बार डैमेज होती है, फिर बार बार छोटा सा अल्सर बनता है, वो हील होता है, फिर अल्सर बनता है, फिर हील होता है, तो एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का पैटर्न होता है, और उस क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के पैटर्न की वजह से इस जगह पॉलिप बन जाता है, ठीक है। सो दिस इज़ अ इन्फ्लेमेटरी टाइप ऑफ पॉलिप, और इसमें क्लिनिकल फीचर्स पेशेंट के होते हैं, एक ट्रायड होता है, ये आपसे एमसीक्यू वाइवा में पूछते होते हैं, ये आपने याद रखना है, ठीक है। ट्रायड किस तीन चीज़ों का होता है जो पेशेंट प्रेजेंट करते हैं? सबसे पहले होगी उसको रेक्टल ब्लीडिंग, ठीक है, जो कि जाहिर सी बात है उसको स्टूल्स में प्रेजेंट करेगी, रेक्टल ब्लीडिंग होगी।
उसके बाद उसके साथ होगा उसको म्यूकस डिस्चार्ज, ठीक है, म्यूकस डिस्चार्ज बिकॉज ऑफ द क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, जहाँ इन्फ्लेमेशन होती है वहाँ पर एडिमा होते हैं और एडिमा की वजह से डिस्चार्ज होगा, म्यूकस थिक म्यूकस होगा। और तीसरी चीज़ होगी इंटीरियर रेक्टल वॉल, जब हम उसका रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, जब हम उसकी पिक्चर्स देखेंगे तो हमें नजर आएगा कि इंटीरियर रेक्टल वॉल जो है उसमें अल्सरेशन और डैमेज है। तो जब ये तीन चीज़ें होंगे, रेक्टल ब्लीडिंग है, म्यूकस डिस्चार्ज और इंटीरियर रेक्टल वॉल का डैमेज है, तो इट इज़ कन्फर्म कि इन्फ्लेमेटरी पॉलिप है, ठीक है, और पॉलिप बना हुआ भी होगा जाहिर सी बात है। इसको हमने फिर ट्रीट करना होता है और इसको एक्सरसाइज कर देते हैं और रिलैक्सेशन ऑफ द स्फिंक्टर जरूरी होती है, लेकिन उसके लिए देखते हैं कि कॉज क्या है, कि स्फिंक्टर है या क्या है, और उसको ठीक करते हैं। अच्छा बहरहाल बस इतनी बात काफ़ी है। हमारटोमेटस पॉलिप, इसके लिए याद ये रखना जरूरी है कि हमारटोमा क्या होता है। पहले काफ़ी हमने ये बात पढ़ी थी, हमारटोमा याद रखना हमेशा, बहुत सारी जगह नाम आएगा। हमारटोमा ये होता है कि किसी भी सरफेस पे, सपोज मेरे पास ये एक सरफेस है, प्लेन स्मूथ सरफेस है, इस सरफेस पे कोई ग्रोथ बन रही है और वो ग्रोथ इसी सरफेस के जो नॉर्मल सेल्स हैं उन्हीं का मिक्सचर है, उन्हीं तरह उसी तरह के सेल्स का मिक्सचर है, लेकिन एबनॉर्मल तरह की ग्रोथ है और एबनॉर्मल तरह से वो प्रेजेंट किए हुए हैं, ठीक है, थीके? मतलब ये समझ लेते हैं, सिंपल कर लेते हैं, स्किन है, ठीक है, स्किन पे भी डिप बनते हैं ना हमारटोमास। तो स्किन पे क्या होगा कि जो स्किन के ही अपने सेल्स हैं ना उन्हीं की एक ग्रोथ बनी हुई होगी और वो सेल्स नॉर्मल होंगे लेकिन वो डिसऑर्गेनाइज्ड से फैशन में एबनॉर्मल सी तरह से यहाँ पर सारे कलेक्ट हुए हुए होंगे, उसे हमारटोमा कहते हैं। मोस्ट कॉमनली हमारटोमाज आपके अंदर ही होते हैं, लाइक लंग में हो जाएगा, आपके ओवरीज में हो सकता है, किसी भी जगह हो सकता है। याद रखना दो चीज़, दो बातें डिफरेंट हैं, ठीक है, इन दोनों लफ्ज़ों को हमेशा याद रखना, ये बहुत सारी जगह आप सुनेंगे। एक हमारटोमा होता है, एक कोरिस्टोमा होता है। ओमा का जब भी सफिक्स आता है तो मतलब ऐसा लगता है हमें कोई ट्यूमरस मैस है, तो इट इज रिजेम्बलिंग अ ट्यूमर, रिजेम्बलेंस होती है इसके ट्यूमर से, खुद इसमें कोई नियोप्लाज्म या ट्यूमर नहीं होता, ठीक है। ओमा सफिक्स से आपने ये नहीं समझना कि ये कोई नियोप्लाज्म, ऐसा नहीं है। हमारटोमा में ये है कि आपके पास जो मैस बन रही है उसमें जिस जगह पे मैस बन रही है उसी जगह के जो सेल्स हैं वही एबनॉर्मल तरह से अपने आप को प्रेजेंट करेंगे और एक ग्रोथ बना देंगे। कोरिस्टोमा में जिस जगह पे मैस बन रही है, सपोज मेरी स्किन पे मैस बन रही है, तो कोरिस्टोमा की ग्रोथ में जो सेल्स होंगे वो किसी और जगह के होंगे, सपोज लंग पेरेन्काइमा के सेल आपको स्किन पे मिल रहे होंगे। तो कोरिस्टोमा में सेल्स एट द रॉन्ग लोकेशन होते हैं, हमारटोमा में नेटिव सेल्स होते हैं, जो सेल्स उस जगह के हैं वही उस ग्रोथ में भी होते हैं, लेकिन एबनॉर्मल एबरेंट सी ग्रोथ हुई भी होती है। होपफुली मेरी बात क्लियर है, ना समझ आए तो मुझे बता देना। हमारटोमेटस पॉलिप आपके जो कॉलन में एग्जिस्ट करते हैं वो आपकी इसी वजह से होते हैं कि कोई भी आपके कॉलन का एरिया जिसके अपने ही सेल्स को एबनॉर्मल सी ग्रोथ बन गई वो हमारटोमेटस टाइप ऑफ पॉलिप हो जाता है, ठीक है। इसमें कोई इन्फ्लेमेटरी एलिमेंट प्रेजेंट उस तरह से नहीं होता, सिर्फ अपने ही सेल्स हैं, एबरेंट ग्रोथ है उनकी। इसमें हमारे पास दो तरह की टाइप्स हैं जो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है जुवेनाइल पॉलिप। जुवेनाइल पॉलिप को जो मतलब इसकी अकरेंस है वो आपने याद रखना है, क्योंकि इसकी मोस्ट दो तरह का ये हो सकता है। एक तो ये जेनेटिक चेंजेस की वजह से भी हो सकता है, म्यूटेशन होती है हमारी कुछ जीन्स में, उनकी वजह से अगर होगा तो पूरा सिंड्रोम होगा, उसे हम कहते हैं जुवेनाइल एडिनोमेटस पॉलिपोसिस सिंड्रोम, ठीक है, वो आपका पूरा सिंड्रोम होता है। अच्छा सॉरी, एडिनोमेटस नहीं, जुवेनाइल पॉलिपोसिस सिंड्रोम, एडिनोमेटस में तो एडिनोमा आ जाता है, ठीक है, जुवेनाइल पॉलिपोसिस सिंड्रोम। तो जुवेनाइल पॉलिपोसिस सिंड्रोम में आपकी म्यूटेशन होती है जेनेटिक, उसकी वजह से आपके पूरे कॉलन में भी और मोस्ट कॉमनली कॉलन इन्वॉल्व होते हैं उसमें भी आपके हेमाटोमास बन रहे होते हैं, और उसके साथ साथ पेशेंट को और सिंड्रोम में आपको पता है कि मल्टीपल मैनिफेस्टेशंस होती हैं, उसमें पेशेंट की क्लबिंग ऑफ फिंगर्स भी हो रही होती है, उसमें पेशेंट की और भी सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशंस होती हैं। जो दूसरी इसकी फॉर्म है एक्वायर्ड फॉर्म, वो है आपकी जो जुवेनाइल पॉलिप्स की, वो ज़्यादातर एडल्ट्स में होती है, लेकिन हमारे पास जो ज़्यादा अकरेंस है वो इसकी सिंड्रोमिक फॉर्म की है, जिस जो कि बच्चों में और 5 साल से कम उम्र बच्चों में बहुत जल्दी प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होगा, आपके कॉलन में जाहिर सी बात है कि हमारटोमेटस पॉलिप्स होंगे, यानी ऐसे पॉलिप जो कि उसी जगह के सेल से डिफरेंट तरह से प्रेजेंट कर रहे होते हैं, और आपकी जो अक्रेंस है इसमें मैंने बता दी 5 साल से कम उम्र बच्चों को बहुत ज़्यादा होते हैं, पेशेंट्स वही रेक्टम में कॉलन में ही कॉमन होते हैं, जैसे रेक्टल ब्लीडिंग से पेशेंट्स आपके प्रेजेंट करते हैं। नॉर्मली तो जाहिर सी बात है कि रेक्टम में होता है पॉलिप तो नज़र नहीं आता, लेकिन अगर ऐसा हो कि पॉलिप सपोज ये रेक्टम है, वही बात है, ये रेक्टो एनल स्फिंक्टर है और ये एनल कैनाल है, कभी कभार ऐसा होता है कि ये जो पॉलिप इतना बड़ा हो जाता है, सिसाइल पॉलिप होता है और लार्ज सा होता है, कि आपका रेक्टल प्रोलैप्स हो जाता है। रेक्टल प्रोलैप्स का मतलब है कि वॉल ऑफ रेक्टम नीचे गिर जाती है, जब वो गिर जाती है तो ये पॉलिप आपका एनल किनाल से प्रेजेंट बाहर की तरफ करने लग जाते हैं, ठीक है, तो वो काफ़ी सिवियर कंडीशन होती है, उसे हमने फौरन से ठीक करना होता है। और इसकी वजह से प्रॉब्लम ये होती है कि अगर इस पॉलिप में ना अल्सरेशन स्टार्ट हो जाए, मतलब अगर इस पॉलिप की जो
पूरी वॉल है उसमें अल्सर्स बनने लग जाएं ये जो पॉलिप की अपनी, तो फिर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो उसको हमें फिर इसकी पूरा जो पोर्शन होता है जहाँ पॉलिप बना होता है उसको रिमूव करना पड़ता है। अगर कॉलन में है, रेक्टम में, जिस भी जगह पे, हम जब तक वो पूरा पोर्शन रिमूव नहीं करेंगे पेशेंट हेमरेज की वजह से उसकी डेथ हो सकती है, इस वजह से हमें रिमूव करना पड़ जाता है। इसकी अगर मॉर्फोलॉजी में देखा जाए तो ये कोई बहुत बड़े नहीं होते, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात ये, मैं आपको अभी पिक्चर भी दिखा दूंगी कि इसमें ना जब हम इसका कट सेक्शन करते हैं तो आपको पॉलिप के अंदर सिस्ट्स नज़र आते हैं, मतलब कुछ ऐसी स्पेसेस जिनमें फ्लूइड पड़ा हुआ है। ठीक है, वो सिस्ट को जब देखा गया कि वो है क्या, फ्लूइड किस किस्म का है, तो पता चला कि इसमें तो इन्फ्लेमेटरी डेब्रिस है, मतलब इन्फ्लेमेशन का ही ये डेब्रिस और किसी किस्म का मटेरियल है, और बाकी सारे आपको इधर सेल्स मिलेंगे जो कि म्यूकोजा के ही सेल्स होंगे और एबनॉर्मल तरह से इन्होंने प्रेजेंट किया हुआ होगा। ठीक है, अच्छा, तो ये आपका इसकी मॉर्फोलॉजी आ जाती है। उसके बाद हम अगले पार्ट में बात करते हैं प्यूट्स जेगर सिंड्रोम की, जो अगला है, और हाइपरप्लास्टिक पॉलिप्स की। फिर हम एडिनोमा स्टार्ट करेंगे। तो कोई मसला हुआ, यू कैन आस्क मी। थैंक यू।